यार मुर्गी ने आज अपना अंडा दे ही दिया फाइनली यार, ये छोटा सा है यार बिल्कुल। असलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब? मैं तो ठीक होंगे और खैर से होंगे। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर आया था और मुर्गी ने भी अपना अंडा दे दिया। ये देखिए कितना छोटा सा अंडा है, बिल्कुल छोटा सा अंडा। कबूतर से थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं अभी इधर रख देता हूँ और इसको मैं उठा लूँगा, इसको मैं इधर रख देता हूँ। तो यार इसने अभी अंडा दे दिया, अभी हमारी ब्लैक मुर्गी थोड़ा ब्रेक लगाई हुई है, दूसरा दिन है इसने अंडा नहीं दिया, ये भी अंडा देना शुरू कर देगी। इसने अंडे देना शुरू तो किया हुआ लेकिन ये भी अब अंडे दे देगी। इसने अपने अभी अंडा दिया जो मैंने उठा लिया, पानी इन्होंने गिरा दिया और अब को ना हम पानी खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे सब परिंदों को। सारे अभी प्यासे हैं, सारे पानी के इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त इनको पानी मिलता है, सारे पानी के इंतज़ार में हैं। अब इन सबको मैं पानी डाल देता हूँ। और दोस्तों हमारी तोती ने भी आज अपना तीसरा अंडा भी उतार दिया, आहिस्ता आहिस्ता सारे अंडे जमा हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह बच्चे भी निकलेंगे। काफ़ी दिन हो गए अंडे, मैंने मुझे याद नहीं है कि किस दिन इसने अंडा दिया था, और जब बच्चे निकलने होंगे ना वो ऐसे ऐसे ही निकलेंगे, इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। और हमारे चूज़े इधर खड़े हैं, मुर्गी हमारी बाहर फिर रही हुई है, खुल रही हुई, क्योंकि यार नीचे ये बहुत कम खुलती है, इन ये बहुत ज़्यादा खुलते हैं, तो ये नीचे बहुत कम खुलते हैं, तो इस वजह से ना इसको ऊपर हम ज़्यादा खोल देते हैं, नीचे नहीं खोलते इतना। ऊपर अब ये खुली रहेगी जब तक शाम नहीं होती, मगरिब को जान तक ये खुली रहेगी, फिर मैं इन्हें ले जाऊंगा इधर से। और हमारे चूज़ों को मैं आज खोल नहीं खोलूँगा यार ऊपर, कल इन लोगों ने तंग किया था, बंद नहीं हो रहे थे ये चूज़े हमारे। और हमारे मुर्गा मुर्गी को आज खोल के ना इन्हें आटा भी खिलाना है, तो मेरा दिल कर रहा है यार इनको आटा खिलाते हैं। हमारी ब्लैक मुर्गी ने तो दाना खा लिया लेकिन ये भूखे हैं, इनको भी बाहर निकाल के आटा भी खिलाएंगे और आपको इनको खोल के भी दिखाएंगे। इतने दिन हो गए आपको मैंने खोल के भी नहीं दिखाया अपने मुर्गा मुर्गी। तो हमारे मुर्गा मुर्गी सारे परिंदों के लिए, मुर्गे वगैरह चूज़ों के लिए आटा आ चुके हैं, और मैं चूज़ों को खोल देता हूँ, इनको एक साथ खोल के आटा डालेंगे। यार ऐसे खुले हुए सारे परिंदे एक साथ मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, आ जाओ। क्यों यार जब मैं ब्लैक मुर्गी को आटा डालूंगा ना तो ये बहुत ज़्यादा जालियों में सारे मुँह मारेंगे तो चोट भी लग सकती है, और ये भूखे ऐसे अच्छे नहीं लगते। तो इन सबको मैं खोल देता हूँ, मुर्गा मुर्गी को अलहदा खोलूँगा, इनको मैं अलहदा डालूँगा क्योंकि यार ये मुर्गी लड़ेगी, उसको मारेगी, उसे खाने नहीं देगी ब्लैक मुर्गी को। तो इन सबको मैं डाल देता हूँ और मैं अभी आटा डालता हूँ, इन्हें बुलाते हैं। यार मैं आटा दिखाता हूँ फिर मैंने बुलाता हूँ इन्हें। तो इनको आटा डालने की मैंने कोशिश की है, सामने मैंने गिराया भी है लेकिन मुर्गी तो नहीं खा रही, ये चूज़े हमारे खा रहे हैं और देख अभी भी खा रहे हैं, थोड़े छोटे थोड़ा थोड़ा करके ये खा रहे हैं, तो ये इन्हें खाने देता हूँ, अगर जैसे ये ख़त्म होगा मैंने और भी डाल दूंगा। तो यार मैं बुलाता हूँ, ये नीचे पर जो है ना ये सारा डालते हैं। तो अब मुर्गी भी आ गई है खाने के लिए, बस इन दोनों का मैं सब ये दो हैं इनको मैं अला था लड़ने मारने के लिए कैसे आ रहा है यार, मैं खाना नहीं दूंगा तुझे अब ऐसे करेगा तो। खा लो खा लो, पेट भर के इन्हें पेट भर के खा लेंगे तो शाम को इनके लिए ये सही रहती है, ये इनकी गर्मी ख़त्म हो जाती है इनकी इसके साथ। तो यार आप भी इनको दिया करें लाजमी अपने चूज़ों को, जो आपके चूज़े मुर्गियाँ वगैरह हैं। तो इनको मैं अंदर ही डाल देता हूँ, खोलता ही नहीं हूँ। ये इधर से निकाल निकाल के खुद ही खाता रहेगा, मुर्गी किधर है इसकी, मुर्गी खा नहीं रही, मज़े की बात है वैसे। तो अभी इन सबको ना ये बचा हुआ है ना ये सारे यही खाएंगे और ज़ाया नहीं करता मैं, तो ये इधर से खा लें, ये भी खा लेंगे फिर मैं और डालूँगा, ऐसे ज़ाया हो रहा है। ये जो बाहर आटा पड़ा है ना इसके लिए अपने मुर्गा मुर्गे खोलते तो अंदर और ज़्यादा आटा नहीं डालता, ये ज़ाया वो चूज़ा ने तो ज़ाया कर दिया सारा, वो पीछे पड़ा है वैसे, तो इसको मैं खोल देता हूँ। तो मुर्गे को मैंने वापस अंदर बंद कर दिया, यार ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, पता नहीं यार मुर्गी हमारी इधर चली गई है, ये थोड़ी बहुत मुझे दोबारा बीमार लग रही है गर्मी की वजह से ना, थोड़ी बहुत से गर्मी लग गई है। और हमारे चूजे ये सामने फिर रहे हैं, ब्लैक मुर्गी नीचे जा रही है, ये इधर खड़ा है अंडा, यार याद से मैंने लेके जाना नहीं तो ऊपर रह गया ना तो ऐसे गिर गुर जाके ना टूट जाएगा, ऐसे ज़ाया हो जाएगा। और दोस्तों इसका आप साइज़ देख लें, ये इतना सा साइज़ है इसका, बस छोटा सा, काफ़ी छोटा अंडा है। कबूतरों को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, टाइम पास कबूतर दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें भाई कम लग रहे हैं मुझे खुद, ये नहीं पूरे ही हैं, वो ऊपर बैठे होते हैं अब नीचे बैठे हैं, इस वजह से थोड़े कम लग रहे थे, एक ये रहा दो, ये एक पेयर ये रहा,
एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, एक ये रहा, ये अकेला बस एक ही ये फिर रहा है। इसके लिए भी बहुत जल्द नया कबूतर लेके आ जाएंगे हम। इनको पानी डालना, बस ये पानी के इंतज़ार में है हमारे बाकी सारे परिंदे, और इनको भी अंदर जाने देते हैं। अंदर जाते हैं तो चलो आ जाओ, चलो अंदर, अंदर जाना तो अंदर चले जाओ, चलो 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 अंदर चलो चलो। बहुत घूम लिया दोस्तों, इसको मैंने अब पकड़ लिया, अब इसको भी मैं अंदर ही डाल देता हूँ। कैसे आ रहा है ये, इसलिए यार ये मारने वाला ना बन जाए। एक मुर्गा हमें मारता है और दूसरे की हमें ऐसी ज़रूरत नहीं है जो हमें मारता हो। तो हमारी मुर्गी भी इधर आ गई है, मुर्गे को देख के, मुर्गे को, इनको पानी वाला बर्तन नीचे से ले आते हैं, अंदर वाला तो मैंने नहीं खा सकता, मुर्गा मारता है। तो अब सबको ना पानी डाल देते हैं। तो मुर्गे का बर्तन मैंने बड़ी मुश्किल से अंदर से निकाल के इसको दे दिया, ये अब इधर पानी पी रही है। हमारी ब्राउन मुर्गी वो सामने फेर रही है, और हमारे तोतों का भी मैंने पानी डाल दिया है, इन चूजों को भी डाल दिया है, इन तोतों को भी डाल दिया, और कबूतरों को भी डाल दिया है मैंने पानी। अब ये पानी पीने के लाए हुए हैं सारे, अब सारे पानी पी के फिर अपनी अपनी जगह पर जाके बैठ जाएंगे। और दोस्तों हमारी जो ब्राउन मुर्गी है ना, ये थोड़ी थोड़ी आज ढीली लगी हुई है मुझे, थोड़ी सी बिल्कुल, मतलब कि थोड़ी सी जैसे हुई है ना, आप इसको फ़ौरन से इसको दवाई देंगे, इसका इलाज करेंगे। इसको ना थोड़े मोशन लग रहे हैं, मुझे जो लगा है ना इसको मोशन लगे हुए हैं, तो इसको दवाई देंगे तो जल्दी से फ़ौरन से सही हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा इंतज़ार के तो तबीयत इसकी थोड़ी और ख़राब हो सकती है। तो इसको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, इसको आज ही दवाई दे देंगे। बस हमारी ब्लैक मुर्गी अंदर पिंजरे के अंदर बंद कर दिया इसको, और थोड़ा पिंजरा इसका गीला गीला कर दिया ताकि आराम से सुकून में। वैसे बड़ी गर्मी लग रही थी यार, बड़ी देर से पानी पी रही है, हाँप रही थी। और हमारी मुर्गा मुर्गी भी इधर आ गए हैं, खुले हुए हैं थोड़े, अभी इनको मैं बंद करके नीचे चला जाऊँगा। इनका पानी का बर्तन अंदर रख दिया, पानी भरा हुआ है, तो सुबह खोल देंगे इनको, अभी मैं इनको बंद कर दूँगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरे इन शाला का लेखता है वीडियो से नेट टॉपिक था। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल लाइक बढ़ जाएगा लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।